आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ showing the essential functionality of an object. Abstraction is the process of showing the essential functionality of an object and hiding the unessential complexity. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो essential functionality होती है, जो आवश्यक वाली चीज़ें होती हैं उसको शो करना, और जो अनावश्यक वाली चीज़ें होती हैं उसको हाइड करना abstraction कहलाता है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स दो फंक्शन हाइड इम्प्लीमेंटेशन। इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक फीचर है, ऊप्स का एक कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट कहता है शो फंक्शन एंड हाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, या शोइंग द एसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट and hiding the unessential complexity. For example, अगर हम कोई रियल वर्ड के पॉइंट ऑफ से बात करें तो रियल वर्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे फ़ैन, कूलर, वॉशिंग मशीन, कार, टेलीविज़न, कुछ भी, उनकी एक फंक्शनलिटी होती है ना, और जनरली हम उन ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनलिटी से डील करते हैं लेकिन उनकी इंटरनल एंटिटी से डील नहीं करते हैं। उनकी फंक्शनलिटी से ही हम केवल डील करते हैं, उसकी इंटरनल कंसेप्ट से हमें मतलब नहीं है कि वो कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मतलब बोल सकते हो कि आप रियल वर्ल्ड की एंटिटी उठा के देख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के देख लो, अगर उस ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत वाली चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो इंटरनल चीज़ है वो हमें नहीं दिख रहा है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी, ड्राइवर को गाड़ी चलाने से मतलब है, बट वो ड्राइवर गाड़ी कैसे इंटरनली चल रही है, उसका इंटरनली इंजन कैसे काम कर रहा है, ये ड्राइवर से मतलब नहीं है। तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, राइट, है ना। कोई चिड़िया है, वो उड़ रही है, हमें क्या पता है चिड़िया कैसे उड़ रही है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, हम देख रहे हैं ये चिड़िया उड़ रही है ना। हमने फ़ोन कॉल पे बटन क्लिक करा और कॉल चला गया, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। दैट इज़ फंक्शनलिटी जो हमें शो हो रही है, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, जो हमें शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो शो फंक्शन शोइंग द एसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाइडिंग द अनएसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। शो फंक्शन हाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। रियल वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मान लीजिए हमने कोई फंक्शन बना रखा है, तो उस फंक्शन को शो कराना, बट उस फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड कराना, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। शो फंक्शन हाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर वेबसाइट वगैरह के टर्म से बात करोगे, कंप्यूटर के टर्म से बात करोगे, जैसे फेसबुक है, आपने ब्राउज़र पे टाइप करा, फेसबुक ओपन हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड लिख के लॉगिन बटन पे क्लिक करा, लॉगिन हो गया, बट वो लॉगिन कैसे हो गया, उसकी इंटरनल फंक्शनलिटी क्या है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमें मतलब नहीं है कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो इंटरनल चीज़ें हैं जो हमसे हिडन है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आई बात। तो कोई यूज़र इंटरफेस है जिसको आपने बना दिया, जहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ लिखोगे, बटन पे क्लिक करा, आप लॉगिन हो जाएगा, बट कैसे हो जाएगा हमें नहीं, मतलब हमें नहीं पता है कि वो कैसे हो जाएगा। तो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर, अगर आप एप्लीकेशन को चला रहे हो, प्रोजेक्ट्स को चला रहे हो, और उस प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट कैसे कैसे काम कर रहा है वो आपको नहीं पता, बस आप ये देख रहे हो कि ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें दिख रही हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। बात खत्म। तो शो फंक्शन हाइड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन से हम क्या अचीव करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन से हम एक कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, एब्स्ट्रैक्शन जस्ट एक कंसेप्ट है ऊप्स का, और उसको अचीव कैसे करा जाता है? उसको अचीव करा जाता है दो तरह से। एक होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाम की क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है, और दूसरा हमारा इंटरफेस से एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। तो इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोथ आर द वेज बाय विच वी कैन इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंसेप्ट है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? मेथड ओवरलोडिंग से, मेथड ओवरराइडिंग से, ऑपरेटर ओवरलोडिंग से, कंसेप्ट ओवरलोडिंग से। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन भी एक कंसेप्ट का नाम है, और उसको अचीव करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के थ्रू। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस बोथ प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आई बात? बोथ प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो प्रोवाइड करता है पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वेयर एज इंटरफेस प्रोवाइडिंग द 100% एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों में डिफरेंस भी होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये दोनों एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के तरीके हैं, और एब्स्ट्रैक्शन से सिंप्लिसिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ही रिमूव नहीं होती है, पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव हो जाता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको रियल वर्ड का कोई एग्जाम्पल दे के दिया जा सकता है, बताओ ये क्या चीज़ है। कोई तालाब है, उसमें एक बत्तख है, डक, उसके ऊपर ऐसे तैर रहा है। पूछा गया ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है उसके अंदर, बताओ। तो वो एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, मतलब कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे? अरे भाई बत्तख उसके ऊपर तैर रहा है, कैसे तैर रहा है हमें क्या पता कैसे तैर रहा है, इंटरनल डिटेल उससे हिडन है, कॉम्प्लेक्सिटी हमसे हिडन है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, रियल वर्ड के अंदर कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन करने से एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए इनकैप्सुलेशन करा जाता है। कैसे? अब जैसे गाड़ी है, चल रही है, कार है, चल रहा है। अब वो चल रहा है, लेकिन वो कैसे चल रहा है हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि वो हमसे एब्स्ट्रैक्ट है। तो हमसे वो एब्स्ट्रैक्ट कैसे है? जब उस गाड़ी के ऊपर एक लेयर चढ़ाया गया, प्लास्टिक का एक बोनट या स्टील का एक कवर चढ़ाया गया है, जिसके थ्रू वो हमसे सारी चीज़ें हिडन हो गई, यानी कि वो कवर में इनकैप्सुलेट कर दिया गया है, ठीक है। पंखा है, चल रहा है ना, अब वो चल कैसे रहा है हमें नहीं, मतलब उसका मोटर हमें नहीं दिख रहा है। कब नहीं दिख रहा है? जब उसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया गया है, चारों तरफ से इनकैप्सुलेट कर दिया गया है, तब। यानी कि रियल वर्ड में इनकैप्सुलेशन से एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। बट एक बात और याद रहे, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकैप्सुलेशन का पर्पज़ अलग होता है उसमें, और एब्स्ट्रैक्शन का पर्पज़ अलग होता है। कई लोग इसके लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत गलत है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन नहीं, एब्स्ट्रैक्शन कभी डेटा पे होता ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन हमेशा फंक्शनलिटी पे होता है, ये याद रहे आपको। तो और इनकैप्सुलेशन हमेशा डेटा पे होता है। इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट डेटा को के लिए बनाया गया, और एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट फंक्शनलिटी के लिए, मेथड के लिए बनाया गया। तो दोनों का अपना अपना पर्पज़ है, ठीक है। तो इसीलिए इनकैप्सुलेशन इज ऑलवेज अचीव ऑन द डेटा एंड एब्स्ट्रैक्शन इज ऑलवेज अचीव ऑन द मेथड, ठीक है। तो आपको पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आपको पढ़ना है इंटरफेस, ये दोनों टॉपिक जब पढ़ लिया एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो गया, दैट्स इट। ये यूप्स का एक कंसेप्ट है। अब आप इसको रियल वर्ड से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे क्लास बना, जैसे ऑब्जेक्ट बना, उसकी मीनिंग आई कहाँ से आई, कि जैसे रियल वर्ड में क्लास से बेटर कोई वर्ड नहीं था जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करता हो। वैसे जो चीज़ें किसी को शो हों, ज़रूरत वाली चीज़ें शो हों और ज़रूरत वाली चीज़ें ना शो हों, तो शो और ना शो करने की ये कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट बोला गया, ये रियल वर्ड से लिया गया। जैसे हजारों लाइन की किताब है और उसके बारे में कुछ बताना है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट करके पैराग्राफ होता है, वहाँ पे सारा उसका समरी लिखा होता है कि ये पूरा चीज़ उसके अंदर है, होने वाला है। तो यानी कि जो मेन चीज़ है वो देख लो, बाकी इंटरनल तो चीज़ें आपको जाना है तो अंदर जाना पड़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है ना, वो रियल वर्ड से लिया गया है, जिसका अपना मतलब ही होता है कि सारांश, मतलब अंदर नहीं जाना है, ऊपर ऊपर बात करना है आपसे। तो ये एब्स्ट्रैक्शन। तो जावा के अंदर एक और डेफिनेशन होती है एब्स्ट्रैक्शन का, है ना, अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जनरलाइज्ड मेथड, अ जेनरिक मेथड। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जनरलाइज्ड मेथड या जेनरिक मेथड या पॉलीमॉर्फिक मेथड, कुछ भी बोल सकते हो। अब आप बोलेंगे जेनरिक मेथड क्या होता है? जेनरिक मेथड आर दोज मेथड विच हैविंग डिक्लेरेशन ओनली, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडिंग बाय एंड यूजर अकॉर्डिंगली। कोई भी बंदा, कोई भी यूजर अपने अपने हिसाब से उस मेथड की डेफिनेशन देगा। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक जनरल मेथड बनाते हैं, जनरलाइज्ड मेथड बनाते हैं, जेनरिक मेथड बनाते हैं। ठीक है, और वो जेनरिक मेथड बनता कैसे है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनता है। तो चलिए बनाते हैं, जानते हैं। इंटरफेस के बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो होता है वो किसी क्लास पे लग सकता है, किसी मेथड पे लग सकता है, बस दो ही जगह लग सकता है और कहीं नहीं लग सकता, ना किसी कंस्ट्रक्टर के आगे, ना किसी डेटा के आगे, और ना ही किसी और चीज़ के आगे, जो भी आप सोच लो, किसी भी चीज़ के आगे नहीं लगता है, बट क्लास और मेथड पे लगता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को कीवर्ड के साथ साथ मॉडिफायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी क्लास या किसी मेथड के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। आपने कहा सर क्या करता है? तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड किसी क्लास या मेथड के बिहेवियर को मॉडिफाई कुछ ऐसे करता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू करके, एक हमने बना लिया क्लास, ऊपर हमने पैकेज दे दिया एब्स्ट्रैक्शन, क्लास का नाम हमने ले लिया टेस्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाने लगता है, बस यही होता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और अगर किसी मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वाइड शो नाम से मेथड बनाया, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मेथड है, लेकिन जब इस नॉर्मल मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है, बस। अब आपने कहा सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या रिलेशन होता है? तो पहला रिलेशन ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक नेचर, मतलब ये हो गया कि इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेफिनेशन नहीं होता, बॉडी नहीं होता, जैसे ये है, हटा दो, नहीं होता है, इसकी केवल डिक्लेरेशन होती है, ऐसे डिक्लेरेशन होती है, इट डज नॉट हैव बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती है, याद रहे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैव ओनली डिक्लेरेशन, और यही जो डिक्लेयर करके आपने मेथड लिख दिया ना, दिस इज द जेनरिक मेथड, दिस इज जनरलाइज्ड मेथड। अब ये जेनरिक मेथड क्यों है? क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है। इसकी बॉडी कोई भी बंदा अपने हिसाब से दे सकता है, कोई भी बंदा इस क्लास को एक्सटेंड करे और अपने हिसाब से बॉडी दे, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज मेथड ऑन विच वी आर यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर इट। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैव नो एनी बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के साथ स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट के साथ फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट के साथ प्राइवेट के कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। तो यानी कि वी कैन नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट प्राइवेट मेथड। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक, ये एरर आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो नहीं हो सकता, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड फिर हो क्या सकता है? ओनली नॉन स्टैटिक हो सकता है, ठीक है, आप बोल सकते हो वर्चुअल होता है बस। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होते हैं। और अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के और क्या फीचर होते हैं? कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे और मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है ना, देखो चल रहा है, और ये देखो नॉन एब्स्ट्रैक्ट है जो कि मेन मेथड है। तो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट मे और मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इट मे और मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, देखो नॉर्मल मेथड भी बना देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना देता हूँ। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक और कहानी समझ लीजिए। कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप बना के देख लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना के देखोगे, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, क्लास एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप टेस्ट। समझे, जो इसका टाइप है, टाइप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, इसी वजह से वो इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक चीज़ घट गया और एक चीज़ बढ़ गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से नॉर्मल क्लास में एक चीज़ घटा और एक चीज़ बढ़ा। क्या घटा? ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और क्या बढ़ गया? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बढ़ गए। ये बात आप फॉर्मूला याद रखना कि जो नॉर्मल क्लास होती है और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उनमें यही डिफरेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से नॉर्मल क्लास में एक चीज़ घट गया, एक चीज़ बढ़ गया। घटाइए कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बढ़ाइए कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ना, उनके रेफरेंस वेरिएबल बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स भले ही ना बने, बट रेफरेंस वेरिएबल बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने कहीं क्रिएट भी करा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस बाकी कोई डेटा मेम्बर बनाओ और उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए एरर आ गया, तो नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते तो क्या कंसेप्टर हो सकता है? तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंसेप्टर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं बनाओगे तब भी कंपाइलर कंसेप्टर तो देता ही है। अब आप सोचोगे कि जब ऑब्जेक्ट बनता नहीं है तो कंसेप्टर की क्या ज़रूरत है? अरे भाई, कंसेप्टर की ये ज़रूरत है कि जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट का कंसेप्टर तो चलेगा ना। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब इनहेरिट करोगे तो इसका कंसेप्टर तो चलेगा ना। तो इस रूल को बनाए रखने के लिए, नहीं समझे, मतलब ये है कि जैसे मान लो टेस्ट क्लास को इनहेरिट करके एक नई क्लास हमने बनाई और वो चाइल्ड क्लास बन गई टेस्ट की। अब चाइल्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो पेरेंट का तो कंसेप्टर चलता है ना। तो पेरेंट में कंसेप्टर होगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? तो इसलिए पेरेंट क्लास में कंसेप्टर होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंसेप्टर हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं। तो भैया यही है एब्स्ट्रैक्शन। और यही एब्स्ट्रैक्शन वाले ये दो मेथड्स हैं। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, शो फंक्शन। मतलब आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिख रहा है, अच्छा शो फंक्शन का काम शो है, इसका काम ये है, बट आपको इंटरनली नहीं दिख रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है। दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, वो आपसे हिडन है। ठीक है, अब चलिए कुछ और भी रूल्स रेगुलेशन समझा देता हूँ मैं आपको। इस क्लास का नाम मैं test1 दे देता हूँ। ठीक है, test1 दे देता हूँ। और फिर नीचे मैं एक क्लास और बना लेता हूँ टेस्ट नाम से। और इसलिए मैंने test1 दे दिया ना, क्योंकि मैं एक और क्लास बनाऊंगा टेस्ट ही नाम से बनाऊंगा, उसमें मेन रखूंगा। ठीक है, अब लीजिए, अब क्या रूल आता है ज़रा उसे समझिएगा। अब मान लीजिए कोई क्लास ने किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर दिया। मान लीजिए किसी क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर दिया, तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे ना, उनकी बॉडी देनी पड़ेगी इसको। फिर से सुनना ध्यान से, एक नॉर्मल क्लास जो किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि टेस्ट 1 को एक्सटेंड कर रहा है, तो नॉर्मल क्लास को, ठीक है, दो कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं और दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड और दूसरा है मेक एब्स्ट्रैक्ट। या तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करोगे तो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड होके आ जाएंगे, आगे अपने आप ओवरराइड होके आ गए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा ऑप्शन है कि इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो मतलब मैंने पूरा एब्स्ट्रैक्शन आपको पढ़ा दिया, ख़त्म हो गया एब्स्ट्रैक्शन, ये समझ लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की पूरी कहानी ख़त्म हो गई। तो एक कंडीशन मैं ये बना देता हूँ कि जहाँ पे मैं मेथड को मतलब टेस्ट 2 बना देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना के छोड़ देता हूँ, और दूसरा केस मैं बना देता हूँ जहाँ पे मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट न बना के मेथड ओवरराइड कर देता हूँ। इसके क्लास का नाम टेस्ट देता हूँ और मेथड ओवरराइड कर देता हूँ। अब जब ओवरराइड करेगा तो ये अपने हिसाब से इसके अंदर बॉडी देगा मेथड की। तो कोई भी बंदा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऐसे ओवरराइड कर सकता है और मेथड की बॉडी दे सकता है, ठीक है। तो दिस इज जेनरिक मेथड, दिस इज जनरलाइज्ड मेथड। कि एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए जनरलाइज्ड मेथड, जिसमें एक मेथड जेनरिक मेथड बना के छोड़ दिया गया और उस मेथड की डेफिनेशन कोई भी बंदा कहीं से अपने हिसाब से देगा। बाकी अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तो ऑब्जेक्ट बनेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे और उसके रेफरेंस पे t.reference पे हम शो और डिस्प्ले को कॉल कर देंगे। यह एब्स्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे रूल बता दिए मैंने आपको, सारे रूल आपको याद हैं, कोई कन्फ्यूज़न है बताइए। सर मेन मेथड देना जरूरी है? रुको एकदम। पब्लिक मस्ट बी डिफाइन इन ओन क्लास, ओके, टेस्ट 1, अच्छा ये पब्लिक हटाना पड़ेगा बस। हाँ क्या कह रहे हो? मेन मेथड देना जरूरी है? कहाँ पे भाई, एक ऐसी क्लास तो होनी चाहिए ना जहाँ मेन मेथड होगा, नहीं तो प्रोग्राम कैसे चलाओगे? हाँ जी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पूछ रहा मेन मेथड। ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई जरूरी नहीं है मेन मेथड। एक जगह तो मेन मेथड तो जरूरी ही है जी सर। तो दीपक बताओ क्या क्या कहानी मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड भी लग सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या नाम है, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगे तो आप जिस क्लास में भी इनहेरिट करेंगे उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी, वरना तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टैटिक फाइनल प्राइवेट नहीं हो सकती। अगर प्राइवेट होगी तो इनहेरिट नहीं होगी, फाइनल होगी तो भी इनहेरिट नहीं होगी, और स्टैटिक होगी तब भी। स्टैटिक में क्या होगा सर? ये सब तो मैंने आपको बताया नहीं ना अभी। स्टैटिक होगा तो इसकी स्टैटिक बाइंडिंग होने लगेगी ना, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डायनेमिक बाइंडिंग होती है, समझे? एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डायनेमिक बाइंडिंग कैसे होती है, अब आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, थोड़ा म्यूट करिए तो मैं आपको बताऊं। देखिए जो टेस्ट क्लास है टेस्ट 1 को एक्सटेंड कर रहा है, इसने दो मेथड को ओवरराइड मारा और दोनों की बॉडी दे दिया, फिर अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अपने रेफरेंस बना के मेथड कॉल कर दिया। तो जब अपना ही ऑब्जेक्ट और अपना ही रेफरेंस रखना था तो ये पेरेंट क्लास से मेथड ओवरराइड करके क्यों लाया इसने? अगर ऐसा ही करना था तो पेरेंट से ओवरराइड लेके क्यों आया? अपना चाइल्ड क्लास खुद ही अपना मेथड बना लेता, पेरेंट से ओवरराइड करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, चाइल्ड क्लास का, और रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं पेरेंट टाइप का, यानी कि इंटरफेस टाइप का, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप का। तो इसको बोलते हैं अपकास्टिंग कर दिया हमने, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप में रख लिया। अब जब मेथड हम कॉल करेंगे तो कॉल किसका होगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉल होगा। लेकिन एग्जीक्यूट किसका होगा? इम्प्लीमेंटिंग क्लास का एग्जीक्यूट होगा, जो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास है उसका एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टैटिक के केस में फिर वही कॉल होने लगेगा। हाँ, स्टैटिक बाइंडिंग होने लगेगी, स्टैटिक की डायनामिक बाइंडिंग होगी नहीं, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक एक साथ नहीं लगता है, और एब्स्ट्रैक्ट में तो डायनामिकली बाइंड होते हैं, समझे? तो एब्स्ट्रैक्शन से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो जी सर, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के क्या क्या फीचर होते हैं राहुल मोदनवाल बताएंगे। हेलो, हाँ सर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के क्या क्या फीचर होते हैं आप बताइए।